हेलो एवरीवन, दिस इज़ सी एस भारत। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जो हम एक सीरीज़ में करेंगे पर डे, हम एक एक दो दो सेक्शंस करके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो 7 है सीए इंटर का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। और सेक्शन 96 से हम स्टार्ट करेंगे एजीएम के प्रोविज़न से। तो क्या है एजीएम, क्यों करते हैं हम एजीएम, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड, कि हर कंपनी जिसको संभालने वाले उसके डायरेक्टर हैं और चलाने के लिए डायरेक्टर्स रखे किसने हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं उन्होंने। तो ओनर्स ये जानना चाहते हैं कि कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, साल के दौरान कंपनी ने क्या अर्न किया। तो इस चीज़ को बताने के लिए डायरेक्टर्स एजीएम बुलाते हैं, मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं। उस मेंबर्स की मीटिंग में आकर मेंबर्स डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं वही चीज़ हमें समझनी है। क्या एजीएम कभी भी बुलाई जा सकती है, क्या एजीएम किसी भी दिन बुलाई जा सकती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एजीएम किस दिन बुलाई जाएगी, पहली एजीएम कब होगी, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहली एजीएम कितने दिन में कर सकती है, और उसके बाद लगातार आने वाले सालों में जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न में है तब तक कंपनी कब एजीएम करेगी, कितना गैप होना चाहिए दो एजीएम के बीच में। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 96। सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 ये बात करता है एजीएम की, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? देखो, एक चीज तो नाम से क्लियर है, एनुअल। एनुअल माने साल में एक बार, जनरल मीटिंग माने वो मीटिंग जो मीटिंग ऑफ मेंबर कहलाती है, वो मीटिंग जो मेंबर्स की होती है उसे क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग। जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसे हम बोर्ड मीटिंग कह देते हैं, इसी तरह जो मेंबर्स की मीटिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। अब कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्यों बुला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया आपसे अभी अभी कि शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि वो पर्सन जिन्होंने जिन्होंने कंपनी बनाई, वो पर्सन जानना चाहते हैं कि जिन्होंने कंपनी चलाई है, जो डायरेक्टर हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या प्रॉफिट अर्न किया है, क्या वो शेयर होल्डर को देने वाले हैं, क्या कंपनी की ग्रोथ हुई है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए क्या बुलाई जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट है एनुअल जनरल मीटिंग। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, एक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और एक सबसीक्वेंट। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कितने दिन में करनी, सबसीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कितने दिन में करनी है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। लॉ में लिखा गया, जब हम सेक्शन नंबर 96 पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 96 में लिखा गया कि फर्स्ट एजीएम जो होगी आपकी विद इन 9 months होगी, विद इन 9 months ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कि कंपनी का जब पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, कंपनी का जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, वहां से 9 months के अंदर अंदर हमें क्या करनी है, फर्स्ट एजीएम करनी है। बट बहुत से बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोई 9 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा आता है, 9 month इनकॉर्पोरेशन से नहीं है, जब कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 9 months के अंदर अंदर हमें क्या करनी है, फर्स्ट एजीएम करनी है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सबसीक्वेंट एजीएम का। तो सबसीक्वेंट एजीएम के केस में लिखा गया विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ सबसीक्वेंट फाइनेंशियल। तो जो भी आपका पर्टिकुलर सेकंड फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, थर्ड फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो उसके क्लोजर से 6 months के अंदर अंदर, उसके क्लोजर से 6 months के अंदर अंदर हमें क्या करनी है, सबसीक्वेंट एजीएम करनी। तो अगर मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है तो मेरी सेकंड एजीएम उसके 6 महीने के बाद हो जाएगी, मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है तो थर्ड के बाद हो जाएगी। तो
एक चीज अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा कि फर्स्ट एजीएम कब होती है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से नहीं, फ्रॉम कहाँ से, क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या। आज हम 96 डिस्कस कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, और इस चीज़ पर हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हमें फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब करना है, हमें सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, तो उसके हिसाब से हमें कितने दिन में एजीएम करना। सेक्शन 96 में लिखा गया, क्या लिखा गया सेक्शन नंबर 96 में, कि दो एजीएम के बीच में गैप, गैप बिटवीन टू एजीएम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं रख सकते आप दो एजीएम के बीच में, 15 महीने से ज्यादा का गैप आप नहीं रख सकते दो एजीएम के बीच में। और सेक्शन 96 फर्दर बोलता है कि कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, वंस इन कैलेंडर, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करिए, याद रखिए कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। कैलेंडर ईयर माने जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे जाके क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। तो कैलेंडर ईयर की अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 9 मंथ्स क्लोजर से, माने 31 मार्च पे अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहता है, तो 31 मार्च से 9 मंथ्स में आपको करनी है, 9 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है, आप कभी भी कर सकते हैं 9 मंथ्स के अंदर अंदर। तो यहां क्या लिखा गया, 31 मार्च से 6 मंथ्स में आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, तो जनवरी से दिसंबर के बीच में ही होगी, जनवरी से दिसंबर के बीच में ही आपकी एजीएम होगी। अब एजीएम हमने समझ लिया, फर्स्ट एजीएम हमने समझ लिया, सब्सिक्वेंट एजीएम समझ लिया, थोड़ा सा आप रिवाइज जरूर करिएगा साथ के साथ कि विद इन 9 मंथ्स है ये ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये विद इन 6 मंथ्स। अब एजीएम के रिगार्डिंग 3-4 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। डे ऑफ एजीएम क्या होगा, कि एजीएम किस दिन कर सकते हैं, कि एजीएम किस दिन नहीं कर सकते, तो लॉ में लिखा गया डे अदर देन नेशनल हॉलीडे, और नेशनल हॉलीडे जब हम पढ़ते हैं तो लॉ में 3 नेशनल हॉलीडे लिखे हैं एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, 15th अगस्त दैट इज हमारा इंडिपेंडेंस डे, 2nd अक्टूबर दैट इज महात्मा गांधी जयंती, एंड 26th जैन दैट इज आवर रिपब्लिक डे। अभी तक लोगों ने सिर्फ 3 नेशनल हॉलीडेज को रिकॉग्नाइज किया है, इनके अलावा बाकी अदर डेज नेशनल हॉलीडे नहीं। तो एजीएम के कॉन्सेप्ट में ये लिखा गया कि एजीएम आपकी किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं हो सकती, तो ध्यान रखिएगा एक बात। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया डेट, कि एजीएम की डेट क्या होनी चाहिए। तो डेट तो आप कोई भी रख सकते हो, डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये फर्स्ट एजीएम है, तो डेट 31 मार्च के बाद से 9 मंथ्स काउंट कर लीजिए, दैट इज 31st दिसंबर। तो 1st अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर के बीच की डेट रहनी चाहिए अगर ये मेरी फर्स्ट एजीएम, क्योंकि 9 मंथ्स में हमें करनी है। और सेकेंड या सब्सिक्वेंट एजीएम अगर मैं बात करूं, तो वो 31st मार्च से, दैट इज क्लोजर ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर से, 6 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, दैट इज 1st अप्रैल से और 30th सितंबर, इसके बीच की कोई भी डेट जो भी कंपनी को सुटेबल लगे, इस मंथ में आपको क्या करनी है, एजीएम बुलानी। बोले टाइम क्या रखे, लो में लिखा गया बिटवीन बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए,
अब बोले बिजनेस आवर्स क्या है। बिजनेस आवर्स 9 AM से स्टार्ट होकर और 6 PM, आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम दिया है 9 एंड 6 के बीच में, 9 to 6 नहीं, 9 एंड 6 लिखा है लो में। इसका मतलब क्या है, 9 और 6 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये क्या दिए गए हैं, स्टार्टिंग टाइम दिए गए हैं, एंड टाइम नहीं दिया गया लो में। लो में एंड टाइम नहीं दिया गया, स्टार्ट टाइम दिया गया है कि एजीएम 9 से 6 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन 6 के बाद नहीं होगी, आफ्टर 6 स्टार्ट नहीं होगी, बिफोर 9 स्टार्ट नहीं होगी। एंडिंग टाइम नहीं दिया, रात को 10 बजे तक करो, 11 बजे तक करो, कोई एंडिंग टाइम नहीं दिया, ठीक है। एंड द लास्ट वन, वेन्यू क्या होगा। वेन्यू माने शादी का वेन्यू होता है ना, इसी तरह मीटिंग का वेन्यू, प्लेस ऑफ मीटिंग, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो क्या है, प्लेस ऑफ मीटिंग। तो लो में एक कॉन्सेप्ट लिखा गया कि जो एजीएम का वेन्यू रहेगा वो क्या रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। बट सर कंपनी के तो लाखों शेयर होल्डर होते हैं, लिस्टेड एंटिटीज में तो लाखों शेयर होल्डर है, तो लाखों शेयर होल्डर कैसे रजिस्टर्ड ऑफिस पर आ जाएंगे। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, और विद इन ए प्लेस, विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। जिस शहर में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी शहर में कोई प्लेस देख लो, माने होटल देख लो, मीटिंग रूम देख लो, कोई रेस्टोरेंट देख लो, जहां पे आपके वो शेयर होल्डर्स आ सके, जहां आपके वो शेयर होल्डर्स आ सके वो प्लेस आप कोई भी रख सकते। तो ये सेक्शन नंबर 96 था हमारा। सेक्शन नंबर 96 में हमने सबसे पहले पढ़ा फर्स्ट एजीएम, तो कितने दिन में, 9 मंथ्स, कहां से, क्लोजर से, किसके क्लोजर से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से। फिर हमने पढ़ा सब्सिक्वेंट एजीएम, तो सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में हमने क्या पढ़ा, 6 मंथ्स में, ये भी कहां से, क्लोजर से, कहां पे, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल। फिर हमने डे पढ़ा, डे में हमने क्या पढ़ा, एनी डे, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा डेट, तो डेट के केस में तो हमने कॉन्सेप्ट यही वाला पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टाइम, 9 एंड 6, 9 AM एंड 6 PM के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, एंड टाइम नहीं दिया गया है। और लास्ट हमने पढ़ा वेन्यू, तो वेन्यू के केस में हमने क्या पढ़ा, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर होगी या विद इन सेम सिटी, टाउन, विलेज, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस शहर में, उस गांव में, उस टाउन में, कहीं भी हो सकती है। अब दो एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा लिस्टेड कंपनी के केस। अगर एक कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। सेबी माने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है, इसे हम कहते हैं रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जिस जहां कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां की मार्केट का रेगुलेटर का नाम है सेबी। तो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया अपनी रेगुलेशंस में कि जो एजीएम होनी चाहिए, सबसीक्वेंट एजीएम जो होनी चाहिए, इसकी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, एक कंपनी जो लिस्टेड है उसकी सबसीक्वेंट एजीएम क्या बोला गया, विद इन 5 मंथ्स, 6 की जगह क्या हो गया, 5 मंथ्स हो गया। हमने नॉर्मल पढ़ा था ऊपर कंपनी में 5 6 मंथ्स, यहां क्या है, 5 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ सबसीक्वेंट फाइनेंशियल, ठीक है, ध्यान आया आपको, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 97 एंड ऑफ। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बोला कि हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी डिस्कस करेंगे, कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।